सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में, ये जरूरी क्यों है? ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूँ या मैं ओबीसी नहीं हूँ, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है।